देखिए आज हम आए हैं ब्लेड के कारखाने में। ये गौतम जी का कारखाना है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ब्लेड बनता है ना। ये बताइए क्या सैंक के बारे में बताइए पहले। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारा सैंक। ये सैंक इसी मशीन में बनता है? जी सर, इसी मशीन में हम पहले कोयल चढ़ा के काटते हैं। हाँ, फिर बेंडिंग हम वहाँ अलग करते हैं। पहला प्रोसेस क्या करते हैं? पहले हम इसमें कोयल चढ़ाते। अच्छा, इसमें कोयल आप लगाते हैं? डी कोयलर पे चढ़ाते। अच्छा, फिर वहाँ से स्टेटनर से सीधा करके डाई पे आते। हाँ हाँ, फिर ये फीटर उसको आगे लेके जाते, फिर कटिंग हो, और फिर कटिंग होके सैंक ऐसा बनता है। हाँ जी, फिर आपने उसको प्लेटिंग करके फिर बेंड करते। अच्छा, पहले उसके बाद प्लेटिंग करते। हाँ, प्लेटिंग करते। अब प्लेटिंग करने के बाद बेंड करते हैं। बेंड करके बाद में ब्लेड में लगाते हैं। लाइए तो एक सैंक एंगल होते हैं इसमें। हाँ, एंगल कहाँ करते हैं इसकी? एंगल की डाई लगी है। अच्छा, उस मशीन में एंगल कर देते हैं। एंगल की डाई लगी है। एंगल हमें 5-6 चाहिए, 7-6 चाहिए, 4-6 चाहिए। अच्छा, पंखे में जिस हिसाब से जिस एंगल में लगता है उसी हिसाब से हम एंगल। इस एंगल का क्या हिसाब किताब है? एंगल डिग्री में होता है। हाँ, डिग्री में तो होता है, लेकिन मैंने किस पंखे में कैसा एंगल चाहिए ये कैसे पता? वो पंखे का अलग अलग जैसा मॉडल आते हैं उसी मॉडल का। सबसे ज़्यादा कौन सा एंगल चलता है? सबसे ज़्यादा हमारे 3-6, 5-6। 48 इंच के पंखे में वो 7-6 भी चलती है। 7-6, 4-6, 4-6 चलती है, 6-6 हर तरह का, जैसा रेडियस में, फ्लाइट में, सारे हर तरह जैसा पार्टी का रिक्वायरमेंट हो वैसा चाहे। अच्छी बात है।